अंकलेश्वर शहर में जॉब कंसल्टंसी आड़ में धमधमता बोगस मार्कशीट और छलनी नोटना कौभांड पर सोची पुलिस छापो मारी 215 डुप्लीकेट मार्कशीट की साथ बे आरोपी की धरपकड़ की। भरूच जिला एसओजी पुलिस ने मिली बातमी ने आधार अंकलेश्वर ओमकार कॉम्प्लेक्स आरती कंसल्टंसी ऑफिस में छापो मारी दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी आईटीआई सहित यूनिवर्सिटी लीविंग सर्टिफिकेट बोगस मार्कशीट धोरण 10 और 12 की नकली मार्कशीट उपरांत भारतीय बनावट की डुप्लीकेट चलनी नोटो केटलीक ओरिजिनल मार्कशीटो आरोपी सचिन प्रेमाभाई खाड़वा ने राहुल नरेन्द्र परमार की पुलिस धरपकड़ की। पुलिस वड़ा श्री राजेंद्र सिंह चुड़ासमा सूचना और मार्गदर्शन हेठ भरूच जिला एसओजी पीआई के डी मंडोरा ने एसओजी चार्टर मुजब फेक करंसी तथा फेक डॉक्यूमेंट्स नी अलग अलग कोईपण जगह बनता हुए तेनी माहिती मेळवता हुए एसओजी चार्टर की कामगिरी बाबते तेमने बातमी मळेल कि अंकलेश्वर लॉर्ड्स प्लाजा होटल बाजू में आवेल ओमकार कॉम्प्लेक्स में आरती कंसल्टंसी के जेमा आवा कोई नापास थे विद्यार्थी ने के लोग ने अलग अलग जॉब कंसल्टंसी ना नामे खोटी मार्कशीट प्रोवाइड करवामां आवे छे। जे बातमी आधार सचिन भाई प्रेमाभाई खारवा तथा तेमना मित्र राहुल नरेन्द्रभाई परमार आ बने आरती कंसल्टंसी में काम करता हुई तेमनी ऑफिस चेक करता अलग अलग 50 और 100 रुपया दरनी अलग अलग सीरीजनी डुप्लीकेट्स नोट्स तथा अलग अलग मार्कशीट्स अने 10मा 12मा धोरणनी यूनिवर्सिटीनी अने आईटीआईनी कुल खोटी मार्कशीट 215 अने 10मा 12मा धोरणनी ओरिजिनल मार्कशीट 126 मळी आवेल। आ उपरांत मार्कशीट पर जे लगावाना ऑल स्टीकर्स छे ए लगभग 20,000 जेटला एक्जेक्टली 19,796 ए स्टीकर्स पण मळी आवेल छे। 50नी 4 नोट 100नी 24 नोट तथा A4 साइजमां प्रिंट करेल 20 पेज मळी आवेल छे। कुल 50,000 मुद्दा माल हाल सील करवामां आवेल छे अने अंकलेश्वर सिटी पोलीस स्टेशनमां खोटी चलनी नोटो तथा खोटी मार्कशीट प्रिंट करवा बाबते गुनो रजिस्टर करी बंने आरोपीओने हस्तगत करी हाईकोर्टनी गाइडलाइन मुजब कोविड टेस्ट कराया बाद अटक करवामां आवेल छे। हालमां भरूच जिला पोलीस पीआई जे एसओजी पीआई मंडोरा साहेब द्वारा आ तपास संभाळवामां आवेल छे अने आगळ तपास कार्यवाही चालू छे। સર આમની મોડેસ ઓપરેન્ડી કઈ રીતે હતી અને એ કઈ રીતે લોકોને એક માર્કશીટ ડુપ્લિકેટ પ્રોવાઈડ કરતા હતા અને કેટલા રૂપિયા લેતા હતા? આરતી કન્સલ્ટન્સીના નામથી નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ કે જેમને ક્યાંય જોબ ના મળતી હોય તો તેવા વિદ્યાર્થીઓને પોતે ત્યાં આગળ કન્સલ્ટન્સીમાં જોબ આપવાના બહાને અને પછી ખોટી માર્કશીટ પરથી સાચી માર્કશીટ બનાવી અલગ અલગ જગ્યાએ જોબ મળે તે પ્રકારની એમઓથી એમને આ કાર્યવાહી કરેલ છે। તો એમાં માર્કશીટ કેટલા પૈસા લેતા હતા સર? હાલમાં હજુ તો બાતમીના આધારે તમામ મુદ્દામાલ સીઝ કરવામાં આવેલ છે, આરોપીને અટક કરવામાં આવેલ છે, આગળ હજુ તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે। સાહેબ આમાં જે માર્કશીટ આગળ આપ્યો છે એ બાબતે કોઈ તપાસ કરવામાં આવશે? જ્યાં જ્યાં પણ જેટલી પણ ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ મળેલ છે એ તમામ કેન્ડિડેટ્સની અને એ સિવાય અગાઉ પણ આવ્યું કે માર્કશીટ ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ છે એ બાબતે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવશે। અચ્છા સર, એમને જે ડુપ્લિકેટ ચલણી નોટ પાઈ છાપવાનું કંઈક કૃત્ય કરેલ છે તે ચલણી